हेलो एंड वेलकम बैक टू कैट एडमिशन। मायसेल्फ हिमांशु और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ हमारे कॉलेज रिव्यू की एक वीडियो में। तो आज मैं एक कॉलेज का नहीं बल्कि ढेर सारे कॉलेज का रिव्यू करने वाला हूँ। जैसे कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप बीटेक कॉलेज इन आईपीयू दिल्ली इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आप इन कॉलेजेस में कैसे एडमिशन करा सकते हैं, आप इनमें डायरेक्ट एडमिशन कैसे करा सकते हैं। अगर आपके मार्क्स कम है, जेईई की रैंक कम है या फिर आपकी परसेंटेज कम है तो आप डायरेक्ट एडमिशन इन कॉलेजेस में कैसे करा सकते हैं, उन सभी चीजों की हम बात करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो टॉप कॉलेजेस की बात करते हैं शुरू। सबसे पहले जो सबसे टॉप पे कॉलेज आता है उसका नाम है महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कॉलेज रोहिणी दिल्ली में लोकेटेड है और कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो 21 किलोमीटर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से 31 किलोमीटर दूरी है। और अगर मैं बात करूँ उसके कुछ फीस स्ट्रक्चर की तो 1.43 लाख पर ईयर यहाँ का फीस रहने वाली है आपकी बीटेक के कोर्स के लिए। एडमिशन की अगर मैं बात करूँ मोड ऑफ एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं, ऑफलाइन भी भर सकते हैं। एंड उसके बाद जीडीएस आईपीयू की काउंसलिंग के थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन करा सकते हैं। आपकी जेई रैंक के हिसाब से आपकी काउंसलिंग होती है। एंड ये दिल्ली का एक बहुत ही टॉप मोस्ट कॉलेज है, इसका मैंने एक अलग से भी रिव्यू कर रखा है सारी फैसिलिटीज के साथ, तो आप वो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं गेट एडमिशन के चैनल पे। तो अब नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं। तो नेक्स्ट कॉलेज का नाम है जो कि आईपीयू का एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कॉलेज जनकपुरी न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और अगर मैं बात करूँ कोर्सेज की तो आप यहाँ पे बीटेक बीबीए सभी कोर्सेज मतलब आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन बीटेक की यहाँ पे ज्यादा मांग है क्योंकि आईपीयू दिल्ली में जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं उनमें बीटेक का जो पैकेज जाता है एंड जो इनका फीस है वो मतलब एक बहुत ही एक अच्छा पैकेज होता है। सब चाहते हैं कि यहाँ पे उनका एडमिशन हो जाए। ये एक दिल्ली के टॉप कॉलेजेस में से है। अगर मैं बात करूँ फीस स्ट्रक्चर की तो 1.35 लाख पर ईयर यहाँ की फीस आपकी रहने वाली है और एलिजिबिलिटी वही प्लस टू और जेई मेन्स का आपका एग्जाम दिया होना चाहिए। जेई मेन की आपकी परसेंटाइल के हिसाब से यहाँ पे भी एडमिशन हो जाता है। जीजीएस आईपीयू मतलब आईपीयू के कॉलेजेस में इसी काउंसलिंग से एडमिशन होते हैं, बहुत सारे रह जाते हैं क्योंकि जेई मेन की परसेंटाइल उनकी नहीं होती, तो उसके लिए भी हमारे पास इलाज है। तो वीडियो पूरी देखना, मैं आपको जरूर बताऊंगा कॉलेजेस के बाद। अगला जो कॉलेज है वो है हमारा भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और ये कॉलेज भी आईपी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और बहुत ही अच्छा कॉलेज माना जाता है बीटेक कोर्स के लिए। इसके साथ साथ ये बीबीए और मतलब बहुत सारे कोर्सेज कराता है बट हम पर्टिकुलर बीटेक पे फोकस कर रहे हैं तो हम उसी को लेकर चलते हैं। ये 1999 में एस्टैब्लिश हुआ था और पश्चिम बिहार न्यू दिल्ली में ये लोकेटेड है। तो एक बेहद ही अच्छा पैकेज ये माना जाता है बीटेक स्टूडेंट्स के लिए। अगर मैं इसकी फीस की बात करूं तो 1.3 लाख पर ईयर यहाँ की पर ईयर की फीस रहने वाली है। आप आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का आपका एक और फायदा होता है कि आपकी यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाती है और आपकी जो फीस है वो तकरीबन आधी आपको वापस मिल जाती है। ये बहुत ही अच्छी यहाँ की स्कीम है जो कि स्कॉलरशिप के थ्रू आपको मिल जाती है। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मतलब अच्छे मार्क्स ले आते हैं यानी 75 से अबव रहते हैं उनकी फीस आधी उनके पास चली जाती है। अगला जो आईपीयू का टॉप कॉलेज है वो है विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। ये भी एक आईपी यूनिवर्सिटी का बहुत ही अच्छा कॉलेज माना जाता है। अगर आप इन सभी सारे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको एक लकी स्टूडेंट भी कहा जाता है। तो ये कॉलेज पीतमपुरा न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और आपका और आईपीयू से एफिलिएटेड है। एस्टैब्लिश हुआ था 1997 में, विप्स के नाम से जाना जाता है और एक बहुत ही अच्छा कॉलेज माना जाता है। और इस कॉलेज की प्लेसमेंट भी एक अच्छा रोल प्ले करती है आपको फ्यूचर अच्छा बनाने। बढ़ते अपने अगले कॉलेज की तरफ, वो है भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये कॉलेज भी आईपीयू यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही अच्छा कॉलेज माना जाता है, आईपीयू से एफिलिएटेड है। और अगर मैं बात करूं इसकी लोकेशन की तो ये सेक्टर 17 रोहिणी में लोकेटेड है। 2005 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। कनेक्टिविटी इसकी भी 32 किलोमीटर एयरपोर्ट से और 18 किलोमीटर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से है। और इस कॉलेज की अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो 1,23,000 पर ईयर आपकी फीस रहने वाली है। इस कॉलेज में भी आप डायरेक्ट एडमिशन पा सकते हैं, वो आप गेट एडमिशन के थ्रू पा सकते हैं। वीडियो में आगे मैं वो आपसे डिस्कस करने वाले हूं, पहले हम सारे कॉलेजेस एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। अगला कॉलेज है हमारा गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये भी आईपीयू का एक बहुत ही अच्छा कॉलेज हमारे माना जाता है और इस कॉलेज में बीटेक की प्लेसमेंट काफी अच्छी है। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स बेकाबू रहते हैं। एस्टैब्लिश हुआ था 1999 में और रजौरी गार्डन न्यू दिल्ली में ये लोकेटेड है। तो अगर इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका 5 लाख आपका पूरे कोर्स का यानी 4 साल में आपको 5 लाख तक अप्रोक्सीमेटली आपका फीस रहने वाली है।
एंड ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के साथ IQ से एफिलिएटेड कॉलेज है, तो आप बेफिक्र इस कॉलेज को चूज कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी इन कॉलेज की सबकी वही है, जेई मेन्स के थ्रू आपको एडमिशन लेना होता है, जेई मेन के रैंक के हिसाब से आपकी कट ऑफ निकलती है, जो GGS IQ काउंसलिंग के थ्रू वो 3 राउंड में निकलती है, तो उसी हिसाब से आपका यहाँ पे मतलब ये जितने भी कॉलेज है IPO के वैसे ही उसी मोड से आपका एडमिशन होता है। अगला कॉलेज है हमारा डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ये कॉलेज भी IPO से एफिलिएटेड है, IPO का एक जाना माना कॉलेज है, 2003 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। लोकेशन की अगर मैं बात करूं, सादरा न्यू दिल्ली में ये लोकेटेड है। 1.19 लाख पर ईयर यहाँ की फीस आपको देखने को मिलेगी। 75% से वो मार्क्स होने चाहिए प्लस टू में, और जेई मेंस की परसेंटाइल के हिसाब से मैंने आपको बताया, काउंसलिंग के हिसाब से आपका एडमिशन इस कॉलेज में हो सकता है, डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकता है, बेफिक्र रहें, अभी मैं उसी चीज पे आने वाला हूँ। अगला कॉलेज हमारा दिल्ली टेक्निकल कैंपस, ये कॉलेज भी हमारा IPO से एफिलिएटेड है, दिल्ली NCR के अंदर, ये ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है। दिल्ली NCR में BTech के लिए एक अच्छा कॉलेज माना जाता है, प्लेसमेंट भी इसका काफी अच्छा है, और इसकी प्लेसमेंट जो रिकॉर्ड रहा है वो भी आज तक का मतलब एक अच्छे कॉलेज का जो रहता है BTech में वो रहा है। BTech अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको CSE ECE और मतलब ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो 1.24 लाख पर ईयर यहाँ का फीस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। जेई मेंस का मैंने आपको बताया वही परसेंटाइल और 75 से आपको यहाँ पे CSE ECE जो आप मतलब लेना चाहते हैं IT वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, मैकेनिकल या फिर सिविल, आप जिस कॉलेज आपकी जिस स्ट्रीम में एडमिशन नहीं हो रहा है आप वो गेट एडमिशन के थ्रू पा सकते हैं। एक लास्ट कॉलेज है हमारा, उसकी हम बात कर लेते हैं। लास्ट जो इन टॉप कॉलेजेस में से एक है वो है जिम्स टेक्निकल कैंपस, जो ग्रेटर नोएडा में हमारा लोकेटेड है, IPO 3 ग्रेटर नोएडा में ये कॉलेज लोकेटेड है, और IPO से ये कॉलेज एफिलिएटेड है। IPO का एक जाना माना कॉलेज माना जाता है दिल्ली NCR के अंदर। अगर आप चाह रहे हैं एक बीटेक का अच्छा कॉलेज तो आप जिम्स को प्रेफर कर सकते हैं, अच्छा कैंपस है, नीट एंड क्लीन, और फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो 97,000 अप्रोक्सीमेटली यहाँ की मतलब पर ईयर की फीस रहने वाली है, मस्ट है। और इन सबसे जरूरी है आपका यहाँ पे IPO का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, वो आप अगर आपने फिल कर दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं किया तो मे बी दोबारा ओपन होने वाला है, तो उसके बाद आप यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी काउंसलिंग होगी 3 राउंड में, अगर आपका नंबर आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो आपके लिए गेट एडमिशन यहाँ पे बैठा है। गेट एडमिशन के थ्रू आप अपना डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं इन सभी कॉलेजेस में, जितना भी मैंने आपको कॉलेजेस अभी बताए हैं दिल्ली IPO के जो भी टॉप कॉलेजेस हैं उनमें आप अपना गेट एडमिशन के थ्रू एडमिशन करा सकते हैं। गेट एडमिशन आपकी पूरी हेल्प करता है आपका मनपसंद कॉलेज आपको चूज कराने में, आपको जो भी ब्रांच चाहिए, आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए, IT चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, सिविल चाहिए, आप वो गेट एडमिशन के थ्रू आप पा सकते हैं इन अपने कॉलेजेस में। तो आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपना एडमिशन जरूर बुक करा लें। मेल ID आपको दी गई, आप मेल भी कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट में बताऊं तो ये सारे कॉलेजेस बहुत ही अच्छे कॉलेजेस, जाने माने कॉलेजेस हैं, लोग सोचते हैं कि इनमें अपना एडमिशन हो जाए अपनी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, तो आप बेफिक्र होकर इन कॉलेज को चूज कर सकते हैं। तो देर किस बात की है यार, डायरेक्ट एडमिशन के जरूर कॉल करें, और हमारी जो है वो नोएडा में है सेक्टर 18 में, तो आप विजिट भी कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं सबसे जरूरी, तो आप कॉल करें और अपना एडमिशन कराएं। मिलते हैं आपसे अगली किसी BTech की कॉलेज के रिव्यू में, तो फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, धन्यवाद।